मैं सबसे पहले मेरे बुज़ुर्ग कर्नल अहमद ज़िया साहब, शेख तलत साहब, मलिक साहब भाई, एहतशाम साहब और तमाम अमियाँ अपने ग़ुलाम सादिक खान साहब, मखदूम साहब और बाकी तमाम हमारे पीटी के जो हमारे दोस्त हैं, बड़े 2011 से हम लोग सारे इकट्ठे चल रहे हैं। रदान अली खींची बैठे हैं, मंशूर, सारे जितने दोस्त भी बैठे मेरे सामने, सबके नाम तो जो ना ले सकूँ। 2011 से हमारा जो सफ़र है पीटी का, वो हम सब का इकट्ठा शुरू हुआ है। कुछ ऐसे अरसे से एक साथ कुछ इस तरह के वाक़त हो रहे थे। पिछली बार सीएम साहब आए तो उस टाइम भी वाक़ हुआ, अभी इस दफ़ा फिर हुआ। तो फिर जैसे बताया शाम ने कि एसओपी पे जो वहाँ से आई थी लाहौर से सीएम ऑफिस पे, उस पर डीसी साहब ने अमल नहीं किया। उनकी क्या वजूहत हैं, वो तो वही बेहतर अगर उनसे सवाल करेंगे कि उन्होंने उस एसओपी पे क्यों नहीं अमल किया। तमाम जो उसमें था कि तमाम एमएलए एमपीएस, तमाम पार्टी के टिकट होल्डर्स और पार्टी के प्रेसिडेंट और अपना जनरल सेक्रेटरी और कमिश्नर डीएडी, ये सारे उस मीटिंग में मौजूद होंगे। तो उन्होंने उनमें से मुझे एहतशाम भाई को और अपने सिकंदर शाह साहब को उसमें से उन्होंने माइनस किया, उसमें हमें उन्हें इन्वाइट नहीं किया। तो जाहिर है इसका अफसोस हुआ था। ज़ाहिर 11 से पार्टी के साथ हैं, ज़ाहिर बड़ी इमरान खान की जो जदोजहद में हम लोग सारे ही शामिल थे। कन्ना साहब भी उस उम्र में धरनों में बारिशों में वहाँ पे रहे, हम सारे वहाँ पे रहे। तो ज़ाहिर दुख तो होता है कि ला माला के बंदा इतने साल, अगर नौ साल के बाद अगर इस तरह का बिहेवियर आके हो तो ज़ाहिर एक दिली तकलीफ हुई। बट आज सारा दिन रात जब मैंने ये अपना डिज़ाइन 12:30 बजे मैंने अपनी फेसबुक पे लगाया और उसके साथ साथ मैंने अपने साउथ के प्रेसिडेंट बाबा साहब को और साउथ के जनरल सेक्रेटरी अली रज़ा खान साहब को अरसाल किया। तो उसके बाद से रात से सुबह जब मैं उठा तो मुझे बेशुमार लोगों के, दोस्तों के, जो हमारे पूरे ज़िले के पीटीए के दोस्त हैं, कारकुन हैं, लीडर्स हैं, छोटा बास के दोस्तों से भी, चिश्तियाँ से भी, हरुणाबाद से, मिंचनाबाद से, डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी के मुख्तलिफ अजला से, हासिलपुर से, भावलपुर से, हमारे ज़िले प्रेसिडेंट के, इस तरह तमाम दोस्तों के फ़ोन आए और उन सब ने मुझे बेहद सपोर्ट किया और उन्होंने अप्रिशिएट भी किया मुझे कि आप कि हम इस इशू पे आपके साथ हैं और जहाँ भी आप हमें इनवाइट करेंगे, जहाँ भी बुलाएंगे, हम आपके साथ इस इशू पे खड़े, जो यहाँ पे ज्यादती हुई है उस इशू पे हम सारे खड़े होंगे। कि मुझे तमाम तकरीबन कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है पीटीआई का पूरे ज़िले से, तकरीबन आज मैंने बेशुमार फ़ोन सुने और उसमें हाजी मोजम साहब हैं, राव शुएब साहब हैं, सिकंदर फयाज साहब हैं, शौकत बसाद साहब का फ़ोन आया, मियां मुमताज़ अपने साहब का मुझे फ़ोन आया, अब्दुल्ला बैन साहब का फ़ोन आया, इस तरह गौर बुखारी साहब हमारे हैं, इस तरह आफ्ताब प्राचा, इजाल हैदर हमारे अपने फोटाबाद से हैं और उसके साथ साथ जो सारे जो उससे सेकेंड हमारे दोस्त हैं, कारकुनान हैं, पूरी पार्टी के जो मरसा चाह रहे हैं 11 से, सब ने मुझे फ़ोन किया और सब ने इजहार अफसोस भी किया और ज़ाहिर सब ने ये भी कहा कि इस पर बैठ के हम मज़ीद आगे जाने की बजाय हम सारे इकट्ठे हो गए इस पर बैठ के बैठेंगे, बात करेंगे और पार्टी कैदर से सैफुल्ला खान साहब से, राजी साहब से और बाकी जो सीएम लेवल पे इशू को हम सब उठाएंगे ताकि आइंदा इस तरह किसी ज़िले में भी ज़्यादती ना हो। तो हमारा तो यही मकसद है कि जो पार्टी के एक जो लोग होते हैं, कारकुनान होते हैं, वो एक पार्टी का असासा होते हैं, अगर उनको इज्जत देंगे तो पार्टी आगे चलेगी। मैं तो अब ये मौका है कि हमें जो लोग नए हैं, ठीक है, वो पार्टी में आए हैं, हमारे काबिल कबूल हैं, बट हमारी जमात को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अगली आते हैं, वो अपने जो बेसिक कार उसके कारकुन हैं, जो इमरान खान के सिपाही हैं, बगैर किसी अहदे के साथ चल रहे हैं, उन सब की उनकी इज्जत नफ्स, उनको उनकी मजलू ना हो, उनको इज्जत दी जाए और जो पार्टी के जो सेरिमोनियल अहदे होते हैं,
मतलब के जैसे वो ऑनरेडी पोस्टें हैं वो उनको दी जाएँ, ताकि वो मतलब ये अब वो हमारा सारे सासा है। तो मेरा इस्तीफा चूँकि बाबा साहब तक पहुँचा हुआ है, तमाम दोस्त मेरे बड़े कर्नल साहब ज़ाहिर है हमारे अपना बड़े भाई कह लें कि वालदैन की जगह पे हैं, शेख साहब मलिक साहब दोस्त हैं, ये इशूज ज़ाहिर भाबा साहब भी के पास भी है। मैं ज़ाहिर जो इनका हुक्म है इसकी मैं इन सब से यही अर्ज़ करूँगा कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर करवाएँ इस इशू की, ताकि बार बार ये वाक़ हमारे ज़िले में क्यों हो रहा है, और जो नए आने वाले हैं वो जो हमारे हम जो लोग पहले वाले पीटी वाले उनके साथ ज़्यादती क्यों कर रहे हैं, चाहे वो ताज बशीर चीमा साहब हों, चाहे वो शौकत अली लाले का हो, जो भी इस तरह के लोग हों जी पंजाब में और कहीं भी हो, वो हमारे साथ क्यों इस तरह मतलब के हर जगह पर ज़्यादती क्यों हो रही है, और उन्हें पार्टी जो हमारा अपर लेवल है क्यों इस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी सबसे इनसे सबसे यही अपना रिक्वेस्ट है, मतलब ज़रा मेरे बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनका हुक्म है, मैं तो थैंक यू।